Hello everyone, welcome back to my channel. In this particular lecture, I will be talking about the various challenges of HRM. Uh, we will also be discussing the different categories of challenges in HRM. So, let us begin this topic. So, let's talk about the challenges of HRM. Uh, being HRM a function, a very important function of an organization. ये काफी तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस देखता है और ये काफी ब्रॉड टॉपिक है इट्स को एक पर्टिकुलर वीडियो में या इसमें समझाना काफी मुश्किल था बट वट आई डिड इज आई कैटेगराइज तो बहुत सारे चैलेंजेस की वजह से व्हाट आई डिड इज आई समराइज दिस इनटू थ्री कैटेगरीज हमने तीन कैटेगरी में इसको समराइज कर दिया फर्स्ट इज योर इन्वायरमेंटल चैलेंजेस क्या हैं एचआरएम के सेकंड इज योर ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस एंड थर्ड इज योर इंडिविजुअल चैलेंज तो लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं

उसमें हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं वो हो, वो हो, वो तो सबसे पहली चीज जो आपको एज अ चैलेंज देखने को मिलती है वो लगातार चेंज होता रहता है और उस चेंज की वजह से आपका जो एच डिपार्टमेंट है ये जो आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनका एडेप्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है अदरवाइज वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे तो देर आर टू थिंग्स वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक तो एडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है है का यहाँ पर क्या मतलब है? कि आप उस चेंज को पहले से ही सेंस कर पाए कि क्या होने जा रहा है तो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आपको नेक्स्ट इज योर वर्क फोर्स डायवर्सिटी ये एक अपॉर्चुनिटी भी है और ये एक चैलेंज भी है uh, आज के रेट में क्या हो रहा है विद राइज ऑफ ग्लोबलाइजेशन मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर हायरिंग एम्प्लॉइज फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स तो बहुत तरह के लोग अलग अलग रिलीजन के लोग अलग अलग कल्चर के लोग आकर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जिससे कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी क्योंकि हर हर पर्सन अपने कल्चर से कुछ ना कुछ आइडियाज को लेकर आता है ऑन द अदर साइड की चैलेंज कैसे बन जाता है तो ये चैलेंज इसलिए बन जाता है बिकॉज इतना डाइवर्सिटी होने की वजह से उनमें पैरिटी बनाना बहुत मुश्किल है बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट आ जाता है बीच में और उससे भी ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आ जाता है स्टीरियोटाइप नेचर स्टीरियोटाइप मतलब पहले से ही कुछ लोग एक दूसरे को पहले से उनके कल्चर को पसंद नहीं करते उनके रिलीजन को पसंद नहीं करते तो इस तरह के इश्यूज जो बीच में आ जाते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को काफी नुकसान करते हैं ये सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर क्या आ जाता है कि आप वर्कफोर्स डाइवर्सिटी बनाना तो चाहते हो बट अगर आप बनाते हो तो क्या हो जाता है कंफ्लिक्ट शुरू हो जाता है पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है फेवरेटिज्म शुरू हो जाता है काफी सारे इश्यूज आ जाते हैं थर्ड इज योर ग्लोबलाइजेशन जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ऊपर वाले दोनों चीजें होती हैं वर्कफोर्स डाइवर्सिटी भी हो गया है और रैपिड चेंजेस भी हो रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से कोई टेक्नोलॉजी इंडिया के लिए नहीं हो सकती है बट वो टेक्नोलॉजी पहले ही चाइना में आ चुकी है या किसी और यूएस में आ चुकी है तो वहां पर क्या होता है कि अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी ही आपके कंट्री में भी आ जाएगी जस्ट लाइक ऑटोमेशन आप ऑटोमेशन को ही देख लें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख लें उसकी वजह से क्या हो रहा है बहुत सारे लोगों के जॉब जाने का खतरा बन गया है री वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दल दीज चैलेंजेस और इसी वजह से जो एच आर एम आपका जो एच आर डिपार्टमेंट है उसके लिए भी ये चैलेंज काफी ज्यादा बढ़ जाता है नेक्स्ट इज योर लेजिस्लेशन लेजिस्लेशन इज रिलेटेड टू लॉज अब जो एच आर जो है या जो कंपनी है वो हमेशा एक गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है और बीइंग अ पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट आपको गवर्नमेंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और उसके लॉज को फॉलो करना पड़ता है जैसे आपको मिनिमम बेसिक पे आपको जितना उन्होंने गवर्नमेंट ने सेट किया आपको उतना देना पड़ेगा ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं बहुत जो छुट्टियां गवर्नमेंट आपको इंटाइटल करती है वो आपको देना पड़ेगा तो इस तरह से वो सारे लेजिस्लेश के बारे में जानना एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है बट सबसे बड़ी चीज क्या है वो लेजिस्लेशन फिक्स नहीं है गवर्नमेंट चेंज होती है नए रूल्स आ जाते हैं नए रेगुलेशन आ जाते हैं तो वहां पर एचआर के लिए बहुत चैलेंजेस है और आप इसके

बहुत सारे आउटडेटेड हो जाते हैं जस्ट लाइक वॉट हैपन कंप्यूटर वर इंट्रोड्यूस टू बैंकिंग सेक्टर और टू द गवर्नमेंट सेक्टर तो हुआ क्या जब कंप्यूटर्स आए और वो उन्होंने जब गवर्नमेंट ने उनको इंट्रोड्यूस किया तो आपके पास मेजोरिटी वर्क ऐसी थी जिसको वो टेक्नोलॉजी आती ही नहीं थी और अगर गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग देने की भी कोशिश की तो वो लोग इतने कैपेबल इनफ नहीं थे या वो सीखना नहीं चाहते थे या वो सीख नहीं पाए तो फाइनली क्या हुआ इट टूक अ लॉफ टाइम बहुत ज्यादा टाइम आपको लग गया उस टेक्नोलॉजी को से लोगों को सिखाने में और उतना लोगों को अडेप्ट कराने में नेक्स्ट चैलेंज इज ऑब्वियसली लैक ऑफ स्किल्स एक जो बहुत बड़ा चैलेंज है जिसकी वजह से हमेशा ये कहा जाता है कि आउट ऑफ़ पीपल पीपल ओनली आर सिर्फ दो ही लोगों को नौकरी मिल सकती है बिकॉज देर आर लैक ऑफ स्किल्स हम कम्प्लीटली डिग्री बेस्ड हो चुके हैं इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशन और कहीं ना कहीं एचआर के लिए फिर ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि अगर आपने ऐसे लोगों को हायर किया जिनकी स्किल सेट ही उतनी अच्छी नहीं है तो उतना ज्यादा आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा उतना ज्यादा उन पर और वो गलतियां भी बहुत करेंगे बट ऑल दीज थिंग्स सबसे बड़ी चीज़ क्या है क्योंकि इन्वायमेंटल चैलेंजेस है दिज आर नॉट इन योर कंट्रोल आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते देर इज नो अदर चॉइस आपको इनको अडॉप्ट करना पड़ेगा इधर आप अडोप्ट कर लें या आप प्रोडक्टिव होकर इसको सेंस कर लें अब okay. हमारे पास क्या-क्या हो सकता है, जो organization level पर हमें आता है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं फर्स्ट इज योर कंट्रोलिंग ऑफ कॉस्ट ऑब्वियसली वन ऑफ द मेजर थिंग इज कॉस्ट कंट्रोल हर कंपनी अपने कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहती है और जो एक दो जगहों पर जहां पर सबसे ज्यादा इसकी कॉस्ट की कटिंग होती है वन इज योर मार्केटिंग कॉस्ट कटिंग एंड अदर इज ह्यूमन रिसोर्स अगर कोई भी तरह की कंपनी को लॉस होना शुरू होता है तो कंपनी सबसे पहले ले ऑफ शुरू कर देती है दैट्स द रीजन जो कंट्रोलिंग कॉस्ट है वो आपके लिए एक बहुत चैलेंज है क्योंकि अगर आप ज्यादा लोगों को ले आओगे तो वो आपकी कॉस्ट को बढ़ा देगा और अगर आप कम लोगों को ले आओगे तो क्या होगा आपका काम ही पूरा नहीं होगा तो दोनों ही चीजें आपको इसका जो बैलेंस बनाना है वो सबसे ज्यादा चैलेंज हो जाता है नेक्स्ट इज योर इम्प्रूविंग क्वालिटी अगेन क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी का एक चैलेंज है कि एक तरफ आप लोगों को कहते हो आप प्रोडक्टिव हो जाओ बहुत ज्यादा काम करो आप क्वांटिटी प्रोड्यूस करो क्वांटिटी ऑफ वर्क करो ऑन द अदर साइड आप क्या कहते हो आप उनको आप क्वालिटी काम करो क्वालिटी पर फोकस करो तो पीपल आर गेट कन्फ्यूज हमें क्वान्टिटी पे काम करना है कि हमें क्वालिटी पे करना है देन अगेन अ बैलेंस इज रिक्वायर्ड की आपको क्वान्टिटी भी चाहिए और आपको क्वालिटी भी चाहिए एंड वी आर लुकिंग एज वेल एजिशिय हमें दोनों तरह के लोग चाहिए तीसरा चैलेंज जो है वो डिस्टिंगटिव कैपेबिलिटीज आपको एज एन एचर ये देखना पड़ेगा एज एन एचर जो है लोगों की डिस्टिंगटिव कैपेबिलिटीज चाहिए आपको यू नीड पीपल सेम काइंड ऑफ स्किल्स you want people who should have different kind of skills somebody can be very good at marketing somebody can be very good at finance somebody could be very good at operations somebody can have great capabilities of of creative work of designing something तो आपको इन चीजों का ध्यान रखते हुए आपको ये देखना पड़ेगा जो आपकी कंप्लीट वर्क फोर्स है उन सभी कंप्लीट वर्क फोर्स में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्किल सेट के लोग हो जाएं. एंड देन लास्ट चैलेंज इज रीस्ट्रक्चरिंग अब रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते रहते हैं कभी कोई प्लांट बंद हो जाता है कभी कोई प्रोडक्ट बंद हो जाता है कभी कंपनीज अपने किसी किसी चीज को आउटसोर्स कर देती है किसी और को दे देती है वो काम करने के लिए तो इस तरह के जब रीस्ट्रक्चरिंग होती है तो वो भी काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि अक्सर इस तरह के रीस्ट्रक्चरिंग में बहुत सारे लोगों के जॉबलेस होने के चांसेस हो जाते हैं तो दैट्स द रीजन वाई ऑल दीज चैलेंजेस आर फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट अगेन एच आर डिपार्टमेंट है टॉप मैनेजमेंट इस तरह का कोई भी decision company लेती है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है ऑन द ह्यूमन रिसोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर इंडिविजुअल चैलेंजेस जो इंडिविजुअल लेवल पर आपको देखने पड़ते हैं द फर्स्ट इज योर मैचिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन हम हमेशा कहते हैं कि जो एच आर का डिपार्टमेंट है ना इट्स मोर लाइक मैरिज ब्यूरो सिमिलरली एक, एक ऑर्गेनाइजेशन आप। आप और इम्प्लॉइज भी एक मैरिड एक कपल की तरह होते हैं अगर उनके बीच में एक अच्छा मैच क्रिएट होता है तो क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन काफी ग्रो करती है और दोनों लोग काफी खुशी खुशी ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती है बट अगर उनका मिसमैच हो जाए देन आपको पता ही है क्या चैलेंजेस हो सकते हैं नेक्स्ट इज अगेन द प्रोडक्टिविटी एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी यहाँ पर हम ऑर्गेजन प्रोडक्टिविटी की बात नहीं कर रहे इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं अब आपको एक बात समझना पड़ेगा कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में सौ लोग काम करते हैं तो वो सौ के सौ लोग डिफरेंट डिफरेंट स्किल सेट रखते हैं और उन सबकी प्रोडक्टिविटी वैरी करती है कोई हो सकता है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो कोई इतना परफॉर्म नहीं कर रहा हो और ये टास्क टू टास्क वैरी भी करता है इसी वजह से आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इंडिविजुअल और, motivation और, और, और टर्न ओवर के बारे में मैंने पहले भी बताया था मैं दोबारा बता रहा हूं जब आपके पास लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा छोड़कर जाने लग जाते हैं टर्न ओवर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इसके एक दो बहुत बड़े नुकसान होते हैं पहला कि अगर इन द मिड वे अगर कोई आपको छोड़ के चला जाए आप एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कर रहे थे कोई आदमी बिना बताए आपको चला गया तो ऑब्वियसली एक नए पर्सन को ढूंढना एक रिप्लेसमेंट ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम सेकेंड प्रॉब्लम इज जो अगर कोई आपका इंपॉर्टेंट इंप्लाई है आपको वो छोड़ के चला जाता है तो वो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा वो मोस्टली आपके कॉम्पिटिटर के पास ही जाएगा या उसी इंडस्ट्री में किसी और कंपनी में जाएगा तो वो आपके सारे सीक्रेट्स को जानता है ही नोज द इन एंड आउट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन और वो भी काफी नुकसानदेह हो सकता है नेक्स्ट इज योर कीपिंग एम्प्लॉय मोटिवेटेड हर इंप्लॉय को मोटिवेटेड रखना ही एक चैलेंज है बिकॉज जॉब बहुत मोनोटोनस हो जाती है जॉब बहुत रूटीन हो जाती है एंड इट इज रियली रियली डिफिकल्ट फॉर एच आर एम टू लुक इन टू लुक इन टू स्ट्रैटीज दैट हाउ वी कैन रीडिजाइन द जॉब और हाउ वी कैन रोटेट पीपल सो दैट दे डोंट फील दैट डेड डूट फील डी मोटिवेटेड नेक्स्ट इज जॉब इन सिक्योरिटी अगेन इन द प्राइवेट सेक्टर ये ज्यादा एप्लीकेबल है राधा इन द गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में क्या हो जाता है कि एक जो मेजर प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं वो ये होती है कि उनकी जॉब बहुत इनसेक्योर है आप दो तीन महीने परफॉर्म नहीं करोगे एंड यूलनाइजेशन एंड दैट इज द रीजन वाई जब लोग इतना इनसेर होंगे तो क्या होगा उनका कमिटमेंट लेवल बहुत लो हो जाएगा वो डरे हुए हैं उनके ऊपर रिस्क बहुत ज्यादा है तो क्या होगा दैट विल दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म रिलैक्स ही नहीं है तो वो परफॉर्म कैसे करेंगे सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि हम लोगों को सिक्योर करें एक और जो बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है दैट्स कॉल्ड काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर यह है ये ऐसे लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो काउंटर प्रोडक्टिव हो चुके हैं मतलब वो प्रोडक्टिव वर्क नहीं करते बस काउंटर प्रोडक्टिव काम होने नहीं देते काम हो या तो होने नहीं देते या कोई अगर कर भी रहा है तो उसको डिमोटिवेट कर देते थे कि तुम क्यों कर रहे हो तो ऐसे जो लोग हैं इनका जो काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर है और अक्सर इस तरह के लोग जो है वो बाकी लोगों को भी काफ़ी नुकसान करते हैं बिकॉज दे क्रिएट एन एटमोसफियर ऑफ़ निगेटिविटी उन लोगों को आइडेंटिफाई करना ही एक तो बड़ा बहुत बड़ा चैलेंज है और अगर आप उनको आइडेंटिफाई कर भी लेते हो तो उनके साथ कैसे डील किया जाए उनके साथ कैसे टैकल किया जाए वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है देन मैनेजिंग वर्क लाइफ बैलेंस अक्सर आपके ऑर्गेनाइजेशन में फीमेल इंप्लॉयज होती हैं एज वेल एज मेल एम्प्लॉयज जिनके पास फैमिली है उनके पास काम है और दोनों चीज़ों को बैलेंस करने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से वो स्ट्रेस फील करते हैं एंड वहां पर भी एच आर का रोल काफ़ी है कि वो इस तरीके से बैलेंस करें उतना ही वर्क लोड डाले लोगों पर जितना वो ले सकें और उनकी वजह से उनका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा बना रहे लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर जो तीन टर्म है